और एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस दौरान में हरिद्वार के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि स्थल का शिलान्यास करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। सतगुरुदेव स्मृति सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। सभागार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की पुस्तकें रखी गई हैं। सुमित सैनी है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सुमित, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे सीएम के इस एक दिवसीय दौरे पर। बिल्कुल, कुछ ही देर में यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भूपतवाला क्षेत्र में यहाँ पे भारत माता मंदिर समन्वयक के जो संस्थापक थे उनकी जो समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो उसका शिलान्यास भी करेंगे। और सदगुरुदेव की यहाँ पर एक उद्घाटन किया जाएगा, उसमें उनकी जो उनसे लिखित जो पुस्तकें हैं उसका भी उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं और काफी मात्रा में साधु बहुत बहुमूल्य क्षेत्र में साधु संत यहां पर पहुंचे हैं। आरएसएस के भी बहुत से पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस उत्तराखंड में भी जारी हो चुके हैं, जिसके तहत अब शादी समारोह में या फिर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। अभी तक कार्यक्रमों में 200 लोगों तक शामिल होने की छूट थी। अधिकतम 100 या कुल क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे। 1 दिसंबर से उत्तराखंड में कोरोना की नई SOP होगी लागू। जरूरत पड़ने पर लग सकता है नाइट कर्फ्यू। डीएम को दिया गया नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार। राज्य में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। होटल और होम स्टे में पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक है, यानी अगर अब आप राज्य में प्रवेश कर रहे हैं बाहर से तो आपको देहरादून की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप होटल या फिर होम स्टे में पहुंच रहे हैं एज अ पर्यटक तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी वहां पर की जाएगी और यह अति आवश्यक है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर से डीएम को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपको लगता है तो नाइट कर्फ्यू आप लगाएं। फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, नई SOP जारी हो चुकी है जिसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। इसके अलावा देहरादून में एंट्री करने पर वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा पर्यटकों को। बिल्कुल, देखिए पूजा, जो उत्तराखंड में एंट्री को लेकर के पास जारी की गई शुरू में जब लॉकडाउन लगा था, स्मार्ट सिटी की वेबसाइट को डेवलप किया गया था और उसी पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इसमें दो अलग अलग तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो ये कि जो उत्तराखंड से बाहर जाने वाले लोग हैं उनको दर्ज करना होता है कि ये 1 हफ्ते की या 5 दिन की विजिट है, उसके हिसाब से नियम फॉलो। और जो बाहर से उत्तराखंड आते हैं तो उसमें भी दो तरीके के लोग हैं, एक तो जो पर्यटक हैं या अपने किसी मेहमान से मिलने आते हैं रिश्तेदारी में 1-2-3 दिन के लिए, और दूसरे को जो प्रवासी हैं, मतलब जो उत्तराखंड में काफी दिन के लिए रहने वाले हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं, तो लिहाजा इनको लेकर SOP जारी कर दी गई है। और ये अनलॉक में देखने में आ रहा था, जो अनलॉक 5 चल रहा था पूजा, कि इसमें बहुत लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे और आवागमन बहुत ज्यादा फ्रीली एकदम से निर्बाध रूप से था। तब चूंकि नियंत्रण करने को लेकर के गंभीरता अपनाई जा रही है, केसेस बढ़े हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है और वो चेक किया जाएगा। लेकिन पर्यटकों को ये छूट दी गई है कि पर कोई टेस्टिंग नहीं होगी, उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और जहां वो रुकेंगे ये वहां पर उनकी स्कैनिंग होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्यटकों की नजर, क्योंकि जब पर्यटकों की कोविड रिपोर्ट या उनको बॉर्डर पर टेस्टिंग की व्यवस्था थी अनुपस्थिति तक भी, तो फिर पर्यटकों की संख्या कम थी पूजा। तो और ऐसे में उत्तराखंड में पर्यटन का सीजन सर्दी भी बहुत बड़ा सीजन माना जाता है, तो लिहाजा एक तो बात ये है। और दूसरा जो सार्वजनिक आयोजन है इनमें भीड़ 200 तक की लोगों के शामिल होने के लिए छूट थी, लेकिन इससे ज्यादा भी कहीं कहीं लोग पहुंच रहे थे, कार्यक्रमों में शामिल थे। अब इसको भी अधिकांश तौर पर आधा कर दिया गया है। एक बात शामिल हो रही है, एक बात इस वक्त गंभीरता के साथ सामने आई है इस SOP को लागू करने में, कि जिन लोगों की शादियां हैं, जिनके यहाँ आयोजन है, वो अपने 200 मेहमानों को निमंत्रण दे चुके हैं। और इस तरह की बात जिला प्रशासन के सामने भी आई है।
कि वो क्या करेंगे ऐसे में वो लोग, तो उसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि अलग से जिलों में जहां जहां शिकायतें ज्यादा होंगी, समस्याएं लोगों की, शादी विवाह में ज्यादा लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं और एसओपी में अफसोर रखने पड़ेंगे, तो वो कैसे कम करेंगे उन लोगों को, ये एक समस्या है। इसको लेकर के जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर मंथन कर रहा है। चलिए फहीम, आपके पास वापस लौटेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए स्मार्ट, अब आपको स्मार्ट तरीके से अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्मार्ट वे में अब आपकी एंट्री होगी। कोरोना नियंत्रण के लिए नई एसओपी जारी हुई है। और पूरे देश भर में लगातार किसानों का अपना आंदोलन चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड की पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत उपवास पर बैठ गए हैं। कृषि कानून के विरोध में सांकेतिक उपवास पर बैठे हरीश रावत आंदोलनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों पर लाठीचार्ज के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में आए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। इससे पहले भी आपको याद होगा इन कृषि कानूनों की खिलाफत करते रहे हैं हरीश रावत। कांग्रेस महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत खिलाफत कर रहे हैं एक बार फिर से उन तीनों ही कानूनों को लेकर। फहीम हमारे साथ लगातार बने हैं। फहीम, कांग्रेस के पास भी एक बार फिर से मौका है राजनीति करने का और इस मुद्दे को भुनाने का। इससे पहले भी हरीश रावत ने अपना विरोध दर्ज कराया लेकिन अब किसानों के साथ बैठ गए हैं। देखिए, बिल्कुल, किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस न केवल हरीश रावत बल्कि कांग्रेस संगठन भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इसी नजरिए से अगर हम देखते हैं तो हरीश रावत जिस तरीके से वो पंजाब की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, पंजाब के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, तो लिहाजा अब इन दिनों देहरादून के प्रवास पर है, वो अपने आवास पर मैंने सांकेतिक आवास पर वो बैठे हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर के लगातार वो हमलावर हैं सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये जो कानून है इससे किसानों का अहित हो रहा है और किसान अगर आंदोलित है तो उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए और सरकार को उस नजरिए से देखते हुए, बात करते हुए उसका हल निकाला जाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों का अहित हो रहा है। और इसी बात को लेकर के हरीश रावत आंदोलन। अच्छा फहीम, ये यहीं तक ही सिमटने वाला है राजनीति का सिलसिला हरीश रावत की, या फिर इसके अलावा भी कुछ और खास रणनीति बनाए बैठे हैं? देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर के वो उत्तराखंड में भी बीच में बात उठाते रहे हैं। कर्ज माफी को लेकर के एक बड़ा रहता है कांग्रेस के पास, हरीश रावत कई बार इसको कह चुके हैं, किसानों का कर्ज माफी को लेकर के सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है राज्य में भी, और केंद्र सरकार को भी वो केंद्र जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अभी चूंकि यहाँ पर हैं तो अभी बताया जा रहा है हमसे कि वो जल्दी ही पंजाब भी जाने वाले हैं, भारी हैं वहाँ के, और वहाँ वो आंदोलन किस तरह से आगे देखना होगा। और अभी कांग्रेस आज कांग्रेस संगठन का भी प्रदर्शन है किसानों पर हुए लाठीचार्ज और उस आंदोलन को लेकर के, इसलिए कांग्रेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर पर वो आंदोलन कर रही है। फहीम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के नए डीजीपी के आगमन से पहले निवर्तमान डीजीपी को विदाई दी गई है, विदाई सम्मान समारोह किया गया। उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए उनको खूब तारीफें भी मिली। विदाई समारोह के दौरान सलामी परेड का भी आयोजन किया गया। उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कृत पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। 87 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार अतूड़ी 10वें डीजीपी थे और उत्तराखंड के 11वें डीजीपी के रूप में अशोक कुमार कार्यभार संभालेंगे। तपन के बाद और अधिक पावन और पवित्र हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। निरीक्षण वाहन मंच के दाहिने खास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल कमान और पुलिस व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य प्रदर्शित करती संचार विभाग की। इन 20 वर्षों में बहुत मेहनत, परिश्रम, प्रशिक्षण, प्रेरणा से हमारा फोर्स यहाँ तक आया है। इसमें मुख्य भूमिका
हमारे सिपाहियों की है और वो भूमिका इस प्रकार की है कि धूप में, ठंड में, बारिश में, आजकल कोविड के टाइम में हमारा जवान रोड पर है और उसको हर किस्म की चुनौती के सामने रहना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर्स को, इंस्पेक्टर्स को जो हमारा कटिंग एज है, नेतृत्व तो हमारे अधिकारी देते हैं लेकिन जो असली काम करते हैं वो ये लोग करते हैं और 20 वर्ष में इनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म और जो एक ह्यूमनिज्म आया, ह्यूमैनिटी का जो मानवीय जो पहलू का हम लोगों ने विकास करने का प्रयास किया, हमारी पुलिस आज बेहतरी पे है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। हमारा प्रदेश बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी दायरे में हो, सांस्कृतिक हो, उसके लिए शांति बहुत महत्वपूर्ण है और 20 वर्ष में यह जो शांति पुलिस के द्वारा स्थापित करने में योगदान दिया गया है वो बहुत ही अनुकरणीय है और मैं खास तौर से अपने सिपाहियों का धन्यवाद देता हूँ। और कोरोना के चलते कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भी घाटों पर स्नान करने पर पाबंदी है। सीमा पर बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को रोका गया, सिर्फ अस्थि विसर्जन और कर्मकांड के लिए ही छूट मिली है। कोरोना वायरस के चलते सभी घाटों पर भारी पाबंदी है, हर की पौड़ी पर नहीं लगी आज तक की कोई, जबकि पाबंदी के चलते व्यापारियों और संत समाज में इसी बात को लेकर काफी आक्रोश भी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व होता है और ऐसे में देखिए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन द्वारा इसे स्थगित किया गया था कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से, क्योंकि यही हमारा वो था कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है तो कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस को बढ़ेंगे। उसी के मद्देनज़र एसएसपी महोदय द्वारा इसमें सीमाओं को भी इसमें फोर्स लगाई गई है, जो हरिद्वार की सीमाएँ हैं और यहाँ तक कि हर की पैड़ी में और अन्य घाटों पर भी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और बस एक इसमें यह है कि जो अस्थियां विसर्जित करने आ रहे हैं और कर्मकांडों के लिए आ रहे हैं उनको इसमें छूट दी गई है, तो उसी का थोड़ा सा लोग आ रहे हैं, अदरवाइज हमारे द्वारा इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। और किसी को दिक्कत नहीं है, उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है, बाकी सब शांतिपूर्वक हो रहा है। अनदेखी नहीं की गई और आराम से स्नान किया गया हर तरह। और सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। सुमित, घाटों पर पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद देखा कि कुछ लोग यहां पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आए और ऐसे में साधु संतों में भी काफी नाराजगी है इस पाबंदी को लेकर। बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पाबंदी लगाई गई थी, इस पर किसी को भी किसी भी घाट पर स्नान करने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन जो साधु तो और जो साधु और जो गंगा सभा के पदाधिकारियों द्वारा जो प्रशासन के साथ जो मीटिंग की गई, तो उसके बाद जो लोकल जो लोग हैं जनपद हरिद्वार के, उन्हीं लोगों को स्नान करने की अनुमति दी गई, वही लोग घाटों पर स्नान करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान ऐसा स्नान है, इस स्नान में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर इस पे असर देखने को मिला, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर थे, बॉर्डरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, उसमें सिर्फ एक ही अनुमति दी गई थी, जिसमें जो लोग अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं या अन्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए आ रहे हैं, अनुष्ठान करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हीं को अनुमति दी गई थी। जो स्नान करने के लिए आ रहे थे उन लोगों को वहीं से बॉर्डर से ही वापस कर दिया गया था। लगभग कल की बात करें तो कल से लेकर अब तक लगभग 3-4 हजार गाड़ियों को वापस ही बॉर्डर से भेज दिया गया और इसी तरह से इसीलिए यहाँ पर जो हरिद्वार के जो घाट है, हरिद्वार के घाटों में। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, सर्दियों के मौसम में आम तौर पर पर्यटक उत्तराखंड का रुख बहुत ज्यादा करते हैं। बर्फीली वादियां पर्यटकों को बहुत लुभाती है। हिल स्टेशन तक जाने वाले सड़क लंबे समय से ही लेकिन खस्ता हाल से जूझ रही है, जिससे पर्यटकों का यह सफर काफी चुनौती भरा हो चुका है। अब ऐसे में पर्यटकों ने खस्ता हाल सड़कों की तरफ ध्यान देने की गुजारिश उत्तराखंड सरकार से की, जिससे पर्यटक आसानी से हिल स्टेशन का रुख बगैर किसी मुसीबत के कर पाए। हालांकि हिल स्टेशन का नजारा देखते हुए पर्यटकों को यहाँ की वादियां इतनी भारी हैं कि इनकी तारीफ के बगैर थक नहीं रहे और अपनी ये तारीफें रोक नहीं पा रहे। वहीं पहाड़ी खान पान की पर्यटक जमकर तारीफ कर रहे हैं।
बच्चे भी हर बार अलग एरिया में आना चाहते हैं, और उत्तराखंड अपने आप में इतना सुंदर है कि ये बच्चों की हमेशा से एक रहती है डिजायर कि हम उत्तराखंड में लेके जाएं उन्हें। पर बुरा मत मानिएगा आप लोग कि जो सड़कें हैं यहाँ की वो मुझे विकसित नहीं लगी, मतलब आने के लिए हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस तरफ आपकी सरकार जो है करे ताकि इतने सुंदर एरिया में लोग इजीली पहुंच सकें, बस ये एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आई अब तक। अदरवाइज आप लोगों का खाना पीना हर चीज़ होम स्टे सब कुछ अच्छा है, बट जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी मुझे सेफ नहीं लगे। बहुत अच्छा बना हुआ है, ये गवर्नमेंट का बना हुआ है और ये गवर्नमेंट ने इनके लिए मतलब सुविधाएं की हैं, जो यहाँ की महिलाएं उनके लिए काम रोजगार वगैरह दिया है। ये सबसे अच्छी बात है कि इन महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और ये सेल्फ स्टैंड है, और आज के टाइम में सेल्फ स्टैंड होना बहुत गर्व की बात है। और मैं महिला होकर मैं ये विचार कर रही थी इन सबसे कि क्या पता मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ यहाँ पर और कुछ तुम्हारे लिए, जैसे मैं एक मेरा ग्रुप है निस्वार्थ सेवा, ये मैंने ग्रुप बनाया हूँ। कि जिस दिन स्वामित्व योजना की लॉन्चिंग की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा खिरसो से, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने राहु मंदिर का जिक्र किया है, खिरसो का जिक्र किया है, बिनसर का जिक्र किया है। और आपको ताजुब होगा कि हम लोग खिरसो से लेके पैठाने तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और लगभग 6 करोड़ रुपए हमने खिरसो के लिए आमंत्रण भी कर दिए हैं। और मैं अभी राहु मंदिर के जो गांव है हमारा पैठानी, उस गांव में रोड भी पहुंच गई, अभी तक लोग पैदल जाते थे, अब रोड से वहां जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, और एक बाईपास भी रोड दे रहे हैं हम। और होम स्टे के लिए वहां के लगभग 22 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जो जो लोग अप्लाई करेंगे हम उनको होम स्टे भी देंगे, पर्यटन से भी जोड़ेंगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे कोविड खत्म होता है उसके बाद हमारे यहाँ पर्याप्त संभावनाएं पर्यटन की हो जाएंगी। और फिलहाल इजाजत, नमस्कार।